ये क्या कह रहा है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ 40 एमएल ऑफ 0.1 मोलर एचसीएल एंड 10 एमएल ऑफ 0.45 मोलर एनएओएच। इसने हमें क्या क्या दिया है, इसने बोला है एचसीएल प्लस एनएओएच के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब एचसीएल का कितना वॉल्यूम दे रखा है, 40 एमएल दे रखा है, ठीक है, और मोलारिटी 0.1 मोलर दे रखी है, NaOH का 0.45 मोलर मोलारिटी है और 10 ml क्या है इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। इस सॉल्यूशन की पीएच पूछी है, तो मैं इनके मिलीमोल्स निकाल लेती हूँ, तो मिलीमोल्स क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, वॉल्यूम को मैंने ml में ही ले लिया, तो दैट इज 4, इसके कितने हो जाएंगे 4.5, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है HCl, NaOH क्या है एक्सेस, तो HCl तो पूरा खत्म हो जाएगा और NaOH बचेगा सॉल्यूशन में, तो अब हम देख लेंगे NaOH कितना बचेगा, एक मोल NaOH एक मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब चार मोल HCl चार मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो बचेगा कितना 0.5 मोल, क्योंकि जितना यूज हुआ टोटल माइनस यूज, तो ये क्या हुआ लेफ्ट NaOH, 0.5 मोल NaOH बचा, ठीक है। अब NaOH की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे कितनी बची, 0.5 मोल, मोल नहीं मिली मोल था ये, सॉरी, ठीक है, 0.5 मिली मोल टोटल कितनी हो गई इसकी, 40 प्लस 10 50 ml, तो मिली मोल अपॉन ml में रखें तो 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1/100 मोलर। तो ये NaOH की कंसंट्रेशन आ गई, कितनी आ गई 10 की पावर माइनस 2, तो NaOH की कंसंट्रेशन, NaOH कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस 10 की पावर माइनस 2 इसकी कंसंट्रेशन है, पूरा टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 2। मैं इसका pOH निकाल लेती हूँ, माइनस लॉग ऑफ OH, ठीक है, टेन टू द पावर माइनस 2, तो दैट इज 2, pOH 2 है, pOH प्लस pH 14 होता है, तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 12। तो 29 का कौन सा वाला ऑप्शन सही है, इस वाले सॉल्यूशन की पीएच है 12, 29 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।